हेलो एंड वेलकम गाइस गाइस, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपना टेक्स्ट मैसेंजर बैकग्राउंड जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन गाइस उसमें मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे जिनमें बताया गया था कि भाई ये काम करता है सिर्फ सैमसंग में, ओप्पो वीवो या रेडमी में इसने काम नहीं किया अच्छे से। तो गाइस अगर आपका सैमसंग का फ़ोन है तो आप जाके वही वीडियो चेक कीजिए, क्योंकि उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका कोई और एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए गाइस पहले स्टार्ट करते हैं, हम देखेंगे कि हमारा जो इनबिल्ट मैसेंजर है उसका बैकग्राउंड कैसा है। इसको ओपन कर लेते हैं पहले। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ नॉर्मल है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई फ्यूचर भी ऐसा नहीं है कि जिससे आप बैकग्राउंड डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। तो चलिए गाइस हमें दो स्टेप्स फॉलो करने हैं जिससे हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे कलर एसएमएस सर्च करना है। जब आप कलर एसएमएस सर्च करेंगे यहाँ पे आपको जो फोर्थ नंबर पे कलर एसएमएस आ रहा है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन, तो इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सेट करना है, कलर एसएमएस पे क्लिक करना है और सेट एज डिफ़ॉल्ट कर रख देना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपके जो टेक्स्ट्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन आपका बैकग्राउंड अभी भी चेंज नहीं हो चुका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ अभी नॉर्मल सा है। अभी आपको यहाँ पे थ्री लाइन्स दिख रही होंगी, आपको थ्री लाइन्स पे क्लिक करना है। थ्री लाइन्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ थीम्स दी गई हैं जो आपको यहाँ पर अच्छा लगे उसको आप रख सकते हो। लाइक अगर मुझे ये थीम अच्छा लग रहा है तो मैं इसको रख दूँ, ओके। इसके बाद आप देख सकते हो कि थीम जो है वो आपका चेंज हो चुका है। थीम कलर आप चेंज कर सकते हो, कोई भी थीम कलर आप यहाँ पे रख सकते हो, ओके। तो उसके बाद और एक फीचर दिया गया है बबल्स, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी चॉइस का बबल रख सकते हो और उसका कलर भी रख सकते हो। जो आप टेक्स्ट मैसेज सेंड होते हैं या रिसीव होते हैं उनका कलर चेंज कर सकते हो, या जो टेक्स्ट का कलर है यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट का कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हो। इसको येलो रख देता हूँ। सेंट का इजीली आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद सबसे मेन फीचर जो हमारा है वो है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इमेजेस जो ऐप की तरफ से दिए गए हैं। जैसे कि मैं अगर इस ऐप को, मैं इस फ़ोटो को लगा दूँ अपने बैकग्राउंड पर, यहाँ पर आएगा सेट एज़। सेट एज़ मैं सेट एज एसएमएस बैकग्राउंड रख सकता हूँ या चैट बैकग्राउंड रख सकता हूँ। तो मैं पहले सेट एज एसएमएस बैकग्राउंड रखूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एसएमएस बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन अभी भी जो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है चैट बैकग्राउंड है वो अभी चेंज नहीं हुआ है। तो फिर से आप जाएंगे कलर एसएमएस पे, बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे लाइक अगर मैं कोई फ़ोटो ऐड करना चाहूँ, मैं कोई ऐड भी कर सकता हूँ, मैं उसको रख सकता हूँ, ठीक है। लाइक अगर मेरे पास कोई पिक है, ये वाला पिक, तो मैं उसको सेट एज एसएमएस बैकग्राउंड और चैट बैकग्राउंड, या तो मैं एसएमएस बैकग्राउंड रख सकता हूँ या चैट बैकग्राउंड रख सकता हूँ। तो अगर मैं बहुत रखूँ तो वो भी कर सकता हूँ। चलो मैं इसको सेट एज चैट बैकग्राउंड रख लूँगा, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से चेक कर सकते हो आपका चैट बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है। और साथ में गाइज आपको यहाँ पर फॉन्ट्स का भी ऑप्शन दिया गया है, या आप फॉन्ट यहाँ पर चेंज कर सकते हो, कोई अपना चॉइस का जो फॉन्ट होगा वो रख सकते हो। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू।